आगरा की बात करेंगे, कहीं ये वुहान ना बन जाए इसकी अब एक तरीके से आशंका है, क्योंकि ये गुहार आगरा के मेयर ने यूपी सरकार से लगाई है कि आगरा को बचा लिया जाए। मेयर का ये आरोप है कि ताज नगरी में बद इंतजामी का बोलबाला है। मेयर की चिट्ठी के बाद एक क्वारंटीन सेंटर के वायरल वीडियो से इन आरोपों पर मोहर लग गई। इंसानियत को शर्मसार करने वाला यह वायरल वीडियो आगरा के एक क्वारंटीन सेंटर का है। देखिए किस तरह लोहे के गेट के उस पार क्वारंटीन किए गए लोग खाने पीने के सामान के लिए मारामारी कर रहे हैं। आप देख सकते हैं गेट पर खाने का सामान रख दिया गया है और बंद की गई जालियों से हाथ निकालकर लोग किसी तरह उसे अपनी ओर खींच रहे हैं। आगरा में यह क्वारंटीन सेंटर नेशनल हाईवे पर एक कॉलेज के हॉस्टल में बनाया गया, लेकिन ऐसा लगता है क्वारंटीन सेंटर की देखभाल करने वाले लोग खुद कोरोना से इतने डरे हुए हैं और इन लोगों तक खाना पहुंचाने से बच रहे हैं, तभी तो बंद गेट पर इस तरह जानवरों की तरह खाना फेंक दिया गया। बहरहाल वीडियो वायरल हुआ तो जिलाधिकारी और वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने मौके पर पहुंचकर व्यवस्था चाक चौबंद की और बाद में प्रशासन की तरफ से ये तस्वीर भी भेजी। हम सारी व्यवस्थाएं ठीक करा दी गई हैं। जो गैप रहा है और जो शिकायत आई थी उसके संबंध में मुख्य विकास अधिकारी को अलग से रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स करने के लिए आदेश दिया गया है। अलग से जब टीम बनाई गई थी किसकी कमी रही उसको वह देख लें और एक रिपोर्ट प्रस्तुत कर दें ताकि हम उसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी फिक्स कर सकें। आगरा की ये तस्वीर ठीक उसी दिन सामने आई है जिस दिन शहर के मेयर की चिट्ठी चर्चा में आई। इस चिट्ठी में आगरा के मेयर नवीन जैन ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और उप मुख्यमंत्री दिनेश शर्मा से आगरा को बचाने की गुहार लगाई है। आगरा के मेयर ने पत्र में लिखा है, मेरे आगरा को बचा लीजिए, बचा लीजिए। उन्होंने आरोप लगाया कि आगरा के लोगों को इलाज नहीं मिल पा रहा है और इलाज के अभाव में अब तक 4 लोगों की मौत हो चुकी है। उन्होंने आशंका जताई है कि आगरा चीन का वुहान बन सकता है। मेयर का आरोप है कि आगरा की स्थिति विस्फोटक है, कोरोना के अलावा किसी भी बीमारी का इलाज नहीं हो रहा है। अधिकारी घरों के बाहर नहीं निकल रहे, वो सिर्फ फोटोग्राफी कराने के लिए 10 से 15 मिनट के लिए बाहर निकलते हैं। तो आपको परेशानी का सामना अलग से करना पड़ रहा है, ये सारी बातों को लेकर मैंने उत्तर प्रदेश के लोकप्रिय उप मुख्यमंत्री डॉक्टर दिनेश शर्मा जी को आपकी भावनाओं से उन्हें अवगत करा दिया है। मुझे पूरा विश्वास है माननीय दिनेश शर्मा जी आगरा के बिगड़ते हुए जो हालात हैं उन पर ठीक करने के लिए कोई ना कोई आवश्यक कार्रवाई और निर्णय अवश्य करेंगे। आगरा के मेयर की चिट्ठी को मुद्दा बनाकर पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने सरकार पर निशाना साधा है। अखिलेश ने ट्वीट किया, मुख्यमंत्री द्वारा बहुपचारित कोरोना से लड़ने का आगरा मॉडल मेयर के अनुसार फेल होकर आगरा को वुहान बना देगा। न जांच, न दवाई, न अन्य बीमारियों के लिए सरकारी या प्राइवेट अस्पताल, न जीवन रक्षक किट और उस पर क्वारंटीन सेंटर की बदहाली प्राणांतक साबित हो रही है। जागो सरकार, जागो। गौरतलब है कि आगरा शहर कोरोना मामले में यूपी का हॉटस्पॉट बना हुआ है। आगरा में पिछले 24 घंटे में कोरोना पॉजिटिव के 9 मामले सामने आए। यहां कोरोना केस की कुल संख्या 381 तक पहुंच गई है। आगरा में कोरोना संक्रमण से मरने वालों की संख्या 10 है। इस वजह से आगरा में हॉटस्पॉट को 800 मीटर से बढ़ाकर 1 किलोमीटर कर दिया गया है। आगरा में कोरोना के इन बढ़ते मामलों की वजह से ही ताज नगरी के मेयर को यूपी सरकार से गुहार लगानी पड़ी कि मेरे आगरा को बचा लो। अरविंद शर्मा, आगरा आज तक।